खूंट कोसी नदी के पार पंतों का पुश्तैनी गांव है। अल्मोड़ा से करीब 12 मील दूर लगभग समान ऊंचाई पर बसा गोविंद वल्लभ पंत का इस गांव से संबंध एक आकस्मिक घटना ही थी। यहीं उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ, लेकिन जीवन पर्यंत फिर वहां जाने का संयोग न बन सका। कुमाऊं का समाज उन दिनों कई तरह की विषमताओं से ग्रसित था। अंग्रेजों की अधीनता, कुली बेगार प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत एवं भयावह आर्थिक असमानता। अपनी शासन प्रणाली की व्यवस्था को छोड़कर अंग्रेजों ने भी यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। अंधकार बना ही रहा। बालक गोविंद का आरंभिक अक्षर ज्ञान जोशी जी के संरक्षण में ही हुआ। सन 1897 में उनको स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करा दिया गया। रामजे कॉलेज की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा रामजे साहब के प्रयत्नों से हुई थी। इंटर की परीक्षा के समय गोविंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे उनके अध्ययन में काफी व्यवधान पड़ा। ये परीक्षा उन्होंने द्वितीय श्रेणी में पास की। उनका स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं था, इसलिए परिवार वाले आगे की शिक्षा के लिए उनके बाहर जाने के खिलाफ थे, किंतु गोविंद कृत संकल्प थे और अंत में इस आश्वासन पर कि यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वे वापस लौट आएंगे, उन्होंने घर वालों की अनुमति ले ली। शगुन, लगन, दिन, वार इत्यादि का पूरा विचार करने के पश्चात श्रावण की संक्रांति के दिन, जिसे कुमाऊं में हरियाला कहते हैं, गोविंद ने इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। गंगा यमुना के पावन संगम पर बसा इलाहाबाद देश के सबसे प्राचीन नगरों में एक है। ये हिंदुओं का पुरातन तीर्थ है, जहां प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद उन दिनों भारत की कई विभूतियों का संगम था। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री सतीश चंद्र बैनर्जी और श्री सुंदरलाल जैसी महान विभूतियों तथा प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1807 में हुई थी। यहाँ का म्यूर सेंट्रल कॉलेज देश की शीर्ष संस्थाओं में रहा है। अभी ये कॉलेज विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम संघटक कॉलेज बना। यहाँ प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स और सोराब जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने अध्यापन किया है। गोविंद के साथियों में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, आचार्य नरेंद्र देव, श्री फजल अली तथा हरगोविंद पंत के नाम उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में स्थित मैकडॉनल्ड हिंदू हॉस्टल में गोविंद रहते थे। देशव्यापी असंतोष की स्थिति का विद्यार्थियों पर गहरा असर था। छात्रावास के जीवन ने गोविंद के व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी। ये भी एक संयोग ही था कि गोविंद जिस महीने इलाहाबाद पहुंचे, ठीक उसी महीने 20 जुलाई 1905 को ही बंग भंग की सरकारी घोषणा हुई, जिसने हजारों नवयुवकों को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्रेरणा दी। बीसवीं सदी की शुरुआत भारतीय राजनीतिक गगन में बड़े बड़े आंधी तूफानों के साथ हुई। बंग भंग के प्रश्न पर सारे भारत में तीव्र आक्रोश तो था ही, करजन और मिंटो द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों की मार ने इसे और भी सुलगा दिया था। इस बीच सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में शुरू किया गया विदेशी वस्त्रों और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब, सभी प्रांत इसकी चपेट में आ गए। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय के निर्वासन ने जनता के क्रोध में घी का काम किया। भारत के बुद्धिजीवी और जागरूक वर्ग में हर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 16 अक्टूबर 1905 को जनता के तमाम विरोध के बावजूद
पूर्वी बंगाल के नए सूबे को जन्म दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बंगाल के निवासियों के दिलों में दरार पैदा की जाए, फूट पैदा की जाए और वे शांति और भाईचारे से न रह सके। इतना ही नहीं, आज हमारी संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जा रही है। पश्चिमी शिक्षा के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म को तुच्छ और घटिया बताया जा रहा है। और उसी दिन गोविंद ने गंगा का पवित्र जल लेकर संगम की पावन स्थली में आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो। दिसंबर 1905 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। गोविंद और उसके साथी हरगोविंद पंत कांग्रेस के स्वयं सेवक बनकर बनारस अधिवेशन में गए। इस ऐतिहासिक अधिवेशन का सभापतित्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उन्होंने करजन राज की आलोचना करते हुए कहा, ऐसे शासन का उदाहरण ढूंढने के लिए हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल तक पीछे लौटना होगा। बंग भंग के परिणामों के बारे में माननीय गोखले ने कहा, नृशंस और निर्बाध नौकरशाही के दमन चक्र का बंगाल ने जिस साहस के साथ सामना किया है, उससे सारा भारतवर्ष आनंदित और कृतार्थ हो उठा है। सहानुभूति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के निकट आ गए हैं। का गोविंद के मन पर गहरा असर पड़ा। श्री गोखले तथा अन्य नेताओं को सुनकर उन्हें अपना कर्तव्य और मार्ग साफ साफ नजर आने लगा। स्वतंत्रता का संदेश घर घर पहुंचाने का संकल्प गोविंद और उनके साथियों ने कुंभ के मेले में स्वयं सेवक बनकर पूरा किया। मेले में तीर्थयात्रियों की सहायता के साथ साथ कांग्रेस के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों का प्रचार किया जाता था। इसी वर्ष गोविंद ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। कानून में पंत जी की स्वाभाविक रुचि थी। ये विषय भी उनके सूक्ष्म तथा विश्लेषक स्वभाव के अनुरूप था। उन्होंने आरंभ से ही कानून में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। सन 1909 में पंत जी कानून की परीक्षा में
विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रहे। उन्हें लैम्सडन गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गोविंद वल्लभ पंत ने सन 1910 से अल्मोड़े में वकालत करनी आरंभ की। मुवक्किलों की पंत जी को कभी कमी नहीं रही। पंडित बद्रीदत्त जोशी के नाम की धाक उन दिनों भी अल्मोड़े में काफी थी। ननिहाल वालों के कई गांव थे, इससे काम शुरू से ही चल गया। उन दिनों के अंग्रेज अधिकारी कानूनों की मनमानी व्याख्या करना अपना अधिकार समझते थे। अभी अल्मोड़े में वकालत करते हुए कुछ ही महीने हुए थे कि एक मुकदमे में बहस के दौरान उनकी मैजिस्ट्रेट से झड़प हो गई। I never meant any disrespect to the court, sir. I merely stated that my client's case comes within the purview of the Indian Penal Code. Since you disagreed with me, I quoted the relevant sections. What I meant was that my plea may be kindly reconsidered. And I repeat that my contention is legal, valid and correct. Instead of giving your considered opinion, you deemed it proper to use words that were not at all relevant in this context. Your words have hurt my feelings and my self-respect. I therefore withdraw from this court. पंत जी काशीपुर आ गए। यहाँ उन्हें वकालत जमाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। शिक्षा और समाज सुधार ने उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। यहीं प्रेम सभा की स्थापना हुई। सन 1916 में पंत जी स्थानीय नगर पालिका में सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात उन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 16 जून 1929 को उन्होंने नगर में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव रखा। एक उपसमिति बनाई गई जिसने नगर में 12 वर्षों से कम आयु के बच्चों की संख्या का पता लगाया। उन्होंने किस समय यह कल्पना की थी कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए? शायद काशीपुर के जब वो नगर पालिका के शिक्षा समिति के अध्यक्ष हुए और उसके बाद जब वो नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, तब उन्होंने इन दोनों चीज़ों पर वहाँ पास किया इसको, और पास ही नहीं किया, उसको लागू कर दिया। काशीपुर में कोई हाई स्कूल नहीं था। पंत जी के प्रयत्नों से ही 1914 में वहां उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। पंत जी उसके पहले मंत्री थे। सरकार को यह भ्रांति थी कि इस स्कूल में सरकार विरोधी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, अतः सरकार इसके पीछे पड़ी थी। अवसर मिलते ही सरकार ने स्कूल के विरुद्ध डिग्री दायर कर दी और इसका बोर्डिंग हाउस नीलाम करने के आदेश आ गए। हमें सरकार के इरादों को नाकाम करना है। हम छात्रावास को नीलाम नहीं होने देंगे। जब तक डिग्री के 2000 रुपए पूरे जमा नहीं हो जाते, मैं भोजन नहीं करूंगा। आप लोगों में से जो भी मेरा साथ देने को तैयार हो, वो मेरे साथ चले। हम अभी इसी समय से इस शुभ कार्य के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पंत जी ने तब तक अन्न ग्रहण नहीं किया जब तक चंदे के 2000 रुपए जमा नहीं हो गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे SDM डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। यह अदालत ग्रीष्मकाल में 6 महीने नैनीताल में लगती और सर्दियों के 6 महीने काशीपुर में। जिन दिनों कोर्ट नैनीताल में लगा करती, उन दिनों मुकदमों की सभी तारीखों पर उपस्थित रहने के लिए वकीलों को नैनीताल में भी रहने की व्यवस्था करनी होती। इस प्रकार पंत जी का नैनीताल से संबंध जुड़ा जो जीवन पर्यंत कायम रहा। सन 1921 में अल्मोड़ा के वनों में भीषण अग्निकांड हुए और 250,000 एकड़ चीड़ के मूल्यवान जंगल आग की भेंट चढ़ गए, और इसके साथ ही सरकार का कठोर दमन चक्र शुरू हो गया और संदेह के आधार पर सैकड़ों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लंबी सजाएं दे दी गई। सर, गवर्नमेंट्स में कम एंड गवर्नमेंट्स में गो,
but our old forest shall remain forever. And it is in our interest that these forests should be preserved. So I do not consider it necessary at all to answer that charge. कुमाऊं में राजनीतिक जागृति लाने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। पंत जी इसके अग्रणी थे। परिषद कुमाऊं की जनता से अनुरोध करती है कि वे मादक द्रव्यों, मदिरा और जुए के व्यसनों का परित्याग करें, अपने गांवों की उन्नति और छोटे मोटे झगड़ों आदि को निपटाने के लिए पंचायतें स्थापित करें। परिषद का विचार है कि औद्योगिक, व्यावसायिक और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार व प्रसार होना चाहिए। देखते ही देखते देश भर के मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खुलने लगे। जागरूक जनता का एक बड़ा वर्ग अस्पृश्यता के विरोध में उठ खड़ा हुआ। गांधी जी के आह्वान पर इस नए आंदोलन के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में आने लगे। नैनीताल में माल रोड पर भारतीयों के चलने पर पाबंदी थी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पंत जी नित्य नैना देवी मंदिर से सत्याग्रहियों का जत्था लेकर चलते। पुलिस माल रोड के मुंह पर रोक लेती और थोड़ी देर बाद सब बिखर जाते।